तो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड काफ़ी दिनों के बाद फाइनली आ चुकी है एक और नई वीडियो। एंड करीब करीब 8-9 दिन हो चुके ना मैं नई वीडियो डाली हुई, तो जहाँ बहुत दिनों बाद आ चुकी है वीडियो। एंड उसके पीछे का रीज़न है कंटेंट भाई। कंटेंट तो मिलने का नाम नहीं ले रहा भाई, माइनक्राफ्ट में बिल्कुल गायब हो चुका है, बिल्कुल कोरोना की तरह बिल्कुल मेरा माइनक्राफ्ट का कंटेंट गायब हो चुका है। तो अगर तुम लोग के पास औसम आइडिया है ना कंटेंट को लेकर के, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए बनाया गया यार, जल्दी जाकर कमेंट करो। अगर तुम्हारे पास कोई भी कंटेंट है, कैसा भी कंटेंट है, भले वो माइनक्राफ्ट के अंदर एग्जिस्ट ना करता, फिर भी तुम लोग जाकर कमेंट करो उस कंटेंट का आइडिया को। मैं खोज खोज के उधर से लेके आएगा कंटेंट, तुम लोग बस कमेंट करो यार, ठीक है। जल्दी जल्दी बस कमेंट कर दो जल्दी से। एंड बाकी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं काफी ऑसम सी चीज, किसका नाम है एक बैंड या एक बिल्डर बैंड, जिसकी मदद से हम लोग काफी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो अब दूसरी स्ट्रक्चर हो जैसे कि अपने क्यूबॉइड हो या फिर सर्कल हो, सिलेंडर हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो। हाँ, तो काफी सारे स्ट्रक्चर तुम एक मिनट में बना सकते हो, मतलब लिटरली वन मिनट में। काफी लोगों को देखा होगा कि बड़े बड़े सर्कल बनाते हैं, कि सर्कल बना दिए नए नए बायोम्स के, उसमें बिल्कुल सर्कल बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो यार तुम लोग उसको एक सेकंड के अंदर बना सकते हो, एक मिनट के अंदर बिल्ड कर सकते हो। तो काफी सारे इसमें फंक्शन है, वो सारी चीज समझाऊंगा कैसे यूज करना है, सभी चीजें बताऊंगा। इसलिए वीडियो लास्ट देखते रहो, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके बजा देना इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। तो बेसिकली गाइज आप लोगों को सबसे पहले लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो सबसे पहले वहाँ पे जाइएगा एंड डाउनलोड कर लीजिएगा फाइल को। तो सिंपल सा एक ऐड ऑन इसको कर देना, सिंपल आप लोग डाउनलोड एंड क्रिएट कर लेना एक नया वर्ल्ड। मैं यहाँ पे वर्ल्ड कर रहा हूँ क्रिएटिव, बाकी एक्सपेरिमेंट्स को कर लीजिएगा सारे सारे ऑन। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिसोर्स पैक में, माय पैक में जाकर के आपको मिलेगा बिल्डर वैंड्स का पैक, इसको कर देना है सिंपल एक्टिव। एंड बियर पैक में इसको एक्टिव कर देना है। ये देखिए दोनों को एक्टिव करने के बाद सिंपल अपना वर्ल्ड को क्रिएट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं वर्ल्ड में जनरेट। अब इस वर्ल्ड के अंदर जनरेट होते के साथ हम लोग जाने वाले नीचे की ओर, तो इन सभी को आप लोग सर्वाइवल में भी क्राफ्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसकी रेसिपी देख लीजिएगा क्राफ्टिंग टेबल पे, आप लोग देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें तीन तरह की चीजें देखने को मिल जाती है, एक है जेम, एक है क्राफ्टर वाइंड और एक है हमारे पास एक एमरल्ड ब्लॉक की पिकैक्स। पता नहीं एमरल्ड ब्लॉक की पिकैक्स क्यों दी है, बट यहाँ में सबसे मेन है अपना बिल्डर वाइंड। अब इसके साथ हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस पिकैक्स को टेस्ट करते हैं। तो ये देखो ये पिकैक्स का नाम का पिकैक्स है, अभी हम लोग सर्वाइवल में आ चुके हैं। एंड इस पिकैक्स के साथ मैंने स्टोन माइन करने की कोशिश किया, यहाँ पे बिल्कुल स्टोन माइन नहीं होता और इसके बारे में कोई वेबसाइट में लिखा भी नहीं कि ये आखिर किस लिए यूज होता है। तो आई डोंट नो, अगर तुम लोग पता चले तो जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेरे को भी पता चल जाए कम से कम क्या इसका यूज होता है। बाकी ये जेम शायद उसको क्राफ्ट करने का काम आता होगा। चलो बढ़ते हैं अपना सीधा बिल्डर बैंड के अंडर, बिकॉज मेरे को यही पता है कैसे कैसे काम करता है। चलो इसको बताता हूँ। इसमें तुम लोग काफी सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, हॉलो क्यूबॉइड हो गया, फिर पिरामिड बनाना चाहते हो, स्पेयर बनाना चाहते हो, हेमिस्फीयर बनाना चाहते हो, सर्कल, कोन, लाइन, वॉल और अंडू कर सकते हो कोई भी बनाया चीज को। एंड कैंसिल तो अपना कैंसिल बटन है या तो अगर तुम लोग कोई भी सेफ चुनोगे, उसके बाद तुमको यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन मिलेंगे कि तुम क्या करना चाहते हो, अपने एक्जिस्टिंग ब्लॉक को रखना चाहते हो और प्लेस करना चाहते हो कौन से, चूज वेल लोकेशन पे। ओके, यहाँ पे बाकी तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो, एयर से भरना चाहते हो या फिर वाटर से भरना चाहते हो या फिर अपने सेलेक्टेड ब्लॉक से भरना चाहते हो। तो इन सभी का ऑप्शन बता दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो एयर चुन लिया है, अब एयर चुन लिया एंड मैंने चुन लिया क्यूबॉइड को एंड यहाँ पे मैंने कर दिया एक्जिस्टिंग ब्लॉक को करेक्ट। तो अगर हमारे पास मतलब कोई भी होगा, लेकिन अभी मैंने एयर चुना, तो अभी क्या होने वाला, जैसे मैंने एक साइड पर रख दिया एंड अभी मैं दूसरा कॉर्नर खोजने वाला हूँ जहाँ पे क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हट जा मुर्गी। और देखो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से ब्लॉक खाया गायब हो चुके हैं। अब ये ब्लॉक गायब क्यों हुए, क्योंकि हम लोगों ने सेलेक्ट किया था एयर, हम लोगों ने कोई ब्लॉक को सिलेक्ट नहीं किया था। अगर हम लोग कोई ब्लॉक सेलेक्ट करते तो यहाँ पे पूरा तरह से ब्लॉक खड़े हो जाते, पर हम लोग एयर सेलेक्ट किए थे इसलिए यहाँ पे एक एयर खड़ा हो चुका है, एयर की क्यूबॉइड खड़ा हो चुकी है, जो कि हमें दिख भी नहीं रही है बिल्कुल क्या। तो इसी तरह से दिख नहीं रही है। बाकी अगर वाटर सेलेक्ट करते हो तो वाटर की क्यूबॉइड आ जाती है हमारे पास। देन यहाँ पे आ जाता है अपना अगला चीज, जो कि तुम लोग देख सकते हो अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर है जिसमें तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो क्या चीज़ भरना है, सेलेक्टेड ब्लॉक से भरना है या फिर एयर से भरना है या फिर वाटर से भरना है, कीप करना है तुमको एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स जो कि अंदर के ब्लॉक्स रहेंगे वो ऑर्डिनरी रहेंगे या फिर इसको हटाना चाहते हो, ये तुम्हारे पर सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी तुम लोग लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, किस टाइप के लोकेशन में चाहिए, आड़ा टेढ़ा या फिर सीधा, कुछ टाइप के लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी देखो मैंने पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे, एंड ये भी काफी अलग टाइप लग रहा है। बाकी अच्छे से कॉर्नर पर अगर तुम फिक्स करोगे तो काफी अच्छे स्ट्रक्चर तुम्हारा बन के आएगा ना, वरना तुम इधर उधर हाथ मारोगे तो बहुत बेकार बनेगा तुम्हारे स्ट्रक्चर। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार ट्राई करने वाले काफी परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर बनाने का। तो अभी इस बार हम लोग बनाने वाले स्पेयर, एंड स्पेयर बनाने के बाद मैंने चुन लिया सिलेक्टेड ब्लॉक को। एंड सिलेक्टेड ब्लॉक अपना ग्रास ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक पे हो तुम क्लिक करोगे वही तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा ब्लॉक। अगर तुम स्टोन ब्लॉक पे क्लिक करते हो तो स्टोन ब्लॉक पे हो जाता है सेलेक्ट। सेलेक्ट मैंने ग्रास ब्लॉक पे क्लिक किया इसलिए सेलेक्ट हो चुका ग्रास ब्लॉक। एंड मैंने एक कॉर्नर चुन लिया एंड मैं यहाँ से जाना वाला हूँ बिल्कुल पर्टिकुलरली एकदम यहाँ पे सिंपल सामने की ओर। एंड यहाँ पे एक और बार क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे किसी वक्त भी बन जाएगा अपना स्पेयर। तो वेट करते थोड़ा सा। ओके, देख सकते हो यहाँ पे अपना स्पेयर बन चुका है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। एंड ये आधा स्पेयर बना है, आधा अंदर चल गया जमीन के, बट काफी मस्त लग रहा है देखने में, देख सकते हो। बाकी अगर हम इसको थोड़ा सा लोकेशन अगर ऊपर चुनते तो काफी मस्त सा गोल से स्ट्रक्चर बनता। बाकी देख सकते हो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ब्लॉक हम लोगों ने चुना नहीं था, इसलिए देख सकते हो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ब्लॉक सब हट चुका है।
एंड अगर यहाँ से बाहर चलते तो देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे वुड पे क्लिक करता हूँ तो वुड सेलेक्ट हो जाता है, अपना सैंड पे क्लिक करता हूँ सैंड क्लिक सेलेक्ट हो जाता है, एंड यहाँ पे अभी मैंने ग्लास ब्लॉक पे क्लिक किया इसलिए हमारा ग्लास ब्लॉक सेलेक्ट हो चुका है। बाकी डायरेक्शन तुम लोग चुन सकते हो, जेड रखना है या फिर वाई रखना है या फिर एक्स रखना, किस टाइप का डायरेक्शन रखना है पिरामिड का। एंड यहाँ पे मैंने पिरामिड चुन दिया है, यहाँ पे पिरामिड मैंने खड़ा कर दिया एक और, एंड इसका पोजीशन मैंने जेड चुना था इसलिए देख सकते हो ये टेढ़ा हो चुका है बिल्कुल। तो इस टाइप से तुम लोग बना सकते हो काफी सारे स्ट्रक्चर, एंड तुम लोग जो भी ब्लॉक चाहो उस ब्लॉक को बना सकते हो, चाहे वो कोई भी ब्लॉक हो, एंड तुम लोग सिर्फ ब्लॉक को अनलिमिटेड भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक डायमंड ब्लॉक है तो उसको डायमंड ब्लॉक को सेलेक्ट करो एंड उससे काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हो। बाकी देखो मैंने अभी इस बार इसको भर दिया एक स्पेयर को बिल्कुल वाटर से, तो यहाँ पे एयर वाटर एंड तुमको एक और भी ऑप्शन मिल जाता है देख रहे हो, तो तीन तरह का ऑप्शन मिलते हैं, तो मैंने यहाँ देख सकते हो वाटर से मैंने भर दिया है एंड इस वाटर का स्पेयर बन चुका है, बिल्कुल वाटर का स्पेयर बन चुका है। तुम लोग देख सकते हो कितना बड़ा स्पेयर बन चुका है, तो इस वाटर के स्पेयर के अंदर मेरा पूरा गेम लाइव होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो इसलिए तुम लोग करते हो वीडियो को लाइक, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग वीडियो चला गए एक लाइक करके जाना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करके बजा देना इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, अभी तक अपना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज की बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस। और कुछ ज्यादा ही बड़ा स्पेयर हो गया यार, चलो बाय बाय गाइस।